नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं मूल्यांकन शिवम शर्मा के साथ। देश भर में आजकल एक वैलेंटाइन वीक का त्यौहार चला हुआ है। देश भर में प्यार का त्यौहार खूब हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में आज हमीरपुर शहर में हम जानेंगे कि इस त्यौहार को यहाँ के युवा, यहाँ के बुद्धिजीवी वर्ग किस तरह से लेते हैं। वैलेंटाइन वीक की और वैलेंटाइन डे की उनकी ज़िंदगी में क्या कीमत है और इस त्यौहार को वो क्या समझते हैं, इसी कड़ी को जानने के लिए आज हम आ पहुँचे हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेमोरियल गवर्नमेंट कॉलेज हमीरपुर हिमाचल प्रदेश, जहां हम लोगों से बातचीत के दौरान यहां के विद्यार्थियों, यहां के युवाओं के साथ बात करेंगे और जानेंगे कि वैलेंटाइन वीक उनकी ज़िंदगी में क्या अहमियत रखता है। इस वैलेंटाइन वीक को वो किस तरह से मना रहे हैं, अपने दोस्तों के साथ मना रहे हैं या अपने चाहने वालों के साथ या अपने माता पिता के साथ। इसी कड़ी में बात करते हैं हम यहाँ के युवाओं के साथ। अपना नाम बताएं। टोनी ठाकुर जी। अच्छा, वैलेंटाइन वीक किस तरीके से मना रहे हैं, आपको क्या लगता है वैलेंटाइन वीक पे क्या होना चाहिए? देखिए, निश्चित तौर पे वैलेंटाइन वीक जो आया है वो एक तो ऐसे तो हर दिन ही एक प्यार का दिन होता है और ये आपकी दिनचर्या पर जो है वो निर्भर करता है कि आप किस तरह से इस दिन को मना रहे हैं। लेकिन ये अगर जैसे इसको वैलेंटाइन वीक जो घोषित किया गया है, इससे एक मोटिव मिल जाता है, जो लोग हैं जितने भी लोग हैं वो उसको एक खास रूप में देखते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि हर दिन हर वीक एक प्यार का वीक है और खुशियाँ बांटते चलो, प्यार बांटते चलो। हर दिन एक प्यार का वीक है, क्या बात है, क्या कह रहे हैं। अब औरों से जानते हैं कि वो वैलेंटाइन वीक को किस तरह से समझते हैं। आप वैलेंटाइन वीक के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, वैलेंटाइन डे के बारे में? मैं वैलेंटाइन डे के कुछ भी नहीं, जैसा टोनी भाई ने बोला कि हर दिन एक प्यार का दिन होता है, बस कुछ नहीं। और इस प्यार के दिन को आप अपने दोस्तों के साथ मनाने जा रही हैं या फिर अपने पेरेंट्स के साथ ही? मैं अपने दोस्तों के साथ। पार्टी शार्टी होगी? हाँ जी। क्या बात है। अच्छा, आप बताएं वैलेंटाइन वीक पे आपके क्या प्लान है? मेरा प्लान तो ये है, जो भी मेरी वैलेंटाइन है उसके लिए मैंने कल पार्टी रखी है, अपने फ्रेंड्स को भी बुलाया है, फिर हम एंजॉय करेंगे ढंग से, सब कुछ जो भी चाहिए होगा सब कुछ अलाउड है वहाँ पे। पार्टी डीजे, ग्रैंड पार्टी आने वाली, ग्रैंड पार्टी है होटल में, हमें बुलाएंगे, आ जाओ आप। बिल्कुल। तो यहाँ पे युवाओं पे एक जोश दिख रहा है कि किस तरह से वैलेंटाइन वीक मनाने वाले हैं। यहाँ पर वैलेंटाइन वीक पे कुछ लोगों ने पार्टी अरेंज की, कुछ दोस्तों के साथ मनाएंगे, कुछ अपने प्यार भरे अपने दोस्तों के साथ मनाएंगे। और उसे जानते हैं कि वैलेंटाइन वीक को किस तरह से ले रहे हैं, आप बताइए इस दिन की अहमियत आपकी ज़िंदगी में क्या रखती है? ये जो वैलेंटाइन वीक जैसे कि सभी मनाते हैं वैलेंटाइन, अपनी वैलेंटाइन जो भी गर्लफ्रेंड होती है उसके लिए पार्टी थ्रो करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं और रेड रोज दे के कुछ करके, ठीक है। पर मेरा मानना है तो ये है कि ये जो वैलेंटाइन वीक है ये पश्चिमी सभ्यता के रीति रिवाज हैं और मतलब जिनकी जो मनाते हैं वैसे तो जैसे कि ये पश्चिमी सभ्यता से ये वीक आया है। हाँ जी, और जैसे कि टोनी भाई ने बोला कि हर दिन एक प्यार का दिन होता है, ठीक है, हम प्यार से रहना चाहिए, ठीक है, और जो भी अपना है वैलेंटाइन जिसको बोलते हैं हम, उसके लिए हम सेलिब्रेट करें। एक पश्चिमी सभ्यता का कंसेप्ट यहाँ पर आया कि पश्चिमी सभ्यता से ये दिन हमारे यहाँ पर आया है और उसको अभी हम मनाने जा रहे हैं, मना रहे हैं। अब थोड़ा ये जानेंगे कि हमारी संस्कृति के दिन इनको किस तरह से लगते हैं, युवाओं से ये भी जानते हैं। अच्छा, आप बताएं कि जो हमारी देश की संस्कृति है, जो हमारी मातृभूमि, हमारी देवभूमि की संस्कृति है, उसके त्यौहार आप किस तरह से मनाते हैं, उसमें भी इतना जोश होता है? निश्चित तौर पे इससे भी अधिक जोश होता है, लेकिन शायद आप लोग ये नहीं मानेंगे कि हमारा जो देश है, अगर आपने देवभूमि और भारत का इतिहास पढ़ा होगा तो हमारा देश जो है वो विविधताओं से भरा हुआ है और हमारा देश ही पूरे विश्व में ऐसा कल्चर है उस देश का कि जो दूसरों के कल्चर को भी एक्सेप्ट कर लेता है और यही हमारी खासियत है, हमारी अनेकता में एकता है। और इसी तरह चाहे देश का हो विदेश का हो, हम लोगों में इतनी कैपेबिलिटी है कि हम हर त्यौहार को मनाते हैं और खुशी खुशी भारत में एक साथ रहते हैं जी। एकता का त्यौहार भी माना जा रहा है यहाँ पर, यानी कि विविधता में एकता, मतलब एक कहावत है कि हमारा भारत देश ऐसा है कि वो सारे के सारे कल्चर को अपनाता है, सारे के सारे धर्मों को अपनाता है। उसी धर्म को अपनाते हुए पश्चिमी सभ्यता के त्यौहारों को भी यहाँ के युवा, यहाँ के लोग और यहाँ के वासी बहुत ही प्यार और बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। आइए जानते हैं कि आपका इस पे और क्या रहेगा दोस्तों के अलावा। अच्छा, अगर आपको किसी को कुछ मैसेज देना हो हमारे शो के ज़रिए? मैसेज तो मैं यही देना चाहूँगा कि कुछ लोग वैलेंटाइन, जैसे वैलेंटाइन वीक बोल रहे हैं, इसको गलत तरीके से भी सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है, लड़कियों के साथ मतलब अभद्र व्यवहार या उन अभद्र व्यवहार, मतलब जो आजकल ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो मैं एक मैसेज थ्रो करना चाहता हूँ कि प्यार से मनाएं, ठीक है, और मतलब जो भी अपनी संस्कृति है उसको मान्य रखते हुए। तो यार, ये प्यार का त्यौहार और इससे प्यार की तरह मनाएं, जैसा कि इन्होंने अभी कहा कि लड़कियों के साथ बदतमीजी या वो अभद्र व्यवहार शोभा नहीं देता,
प्यार का त्यौहार है, उसे प्यार से मनाएं, अपने वैलेंटाइन के साथ कहीं घूमने जाएं। अब औरों से जानते हैं कि वैलेंटाइन वीक उनके लिए क्या अहमियत रख रहा है और वो किस तरह से इसे मना रहे हैं। आपका नाम बताएं। तरुण, तरुण सहोत्रा जी। अच्छा, आपके लिए वैलेंटाइन वीक किस तरह से अहमियत रखता है? वैसे तो जैसे कि आजकल स्टूडेंट्स की जो लाइफ है वो बहुत बिजी रहती है, तो अपने पेरेंट्स के साथ खासकर वो टाइम स्पेंड नहीं कर पाते, तो आजकल ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं या तो फिर उनके लिए मोबाइल या तो फिर गर्लफ्रेंड या 24 घंटे फ़ोन लगे पे लगे रहते हैं या तो टेलीविज़न। तो मैंने खासकर कल छुट्टी की कॉलेज से कि मैं अपने जो पेरेंट्स हैं उनके साथ टाइम स्पेंड करूं और कहीं पे उनके लिए पार्टी ऑर्गेनाइज की है और उनको कुछ स्पेशल फील कराया जाए ताकि उन्हें भी लगे कि नहीं, हमारा बेटा भी कुछ हमारे लिए कर रहा है। नाम क्या बताया? तरुण सहोत्रा। तो तरुण जी ने एक पार्टी ऑर्गेनाइज की है, बहुत ही अच्छी पार्टी है, इसमें मैं भी जाना चाहूँगा। इन्होंने पार्टी रखी है अपने माता पिता के लिए, यानी कि वो अपना वैलेंटाइन, अपने प्यार के त्यौहार को अपने माता पिता के साथ मनाने जा रहे हैं एक पार्टी थ्रो करके। वहाँ पर डीजे होगा, मेरे ख्याल से माता पिता के साथ अपने विचार भी शेयर करेंगे जी। और उनसे जानना चाहेंगे जी, आप अच्छा आप तो हमारा मना के रखे हैं। हाँ जी, पार्टी है कल। कहाँ पे हो रही है पार्टी? पार्टी ट्रिपल एच होटल में, ये जो परे है, ओ क्या नाम, हीरानगर में। आपके खास दोस्त और आपके सगे संबंधी और आपके प्रेमी वहाँ पे मिलेंगे? हाँ जी, प्रेमी तो मेरी अभी पार्टी कहाँ बैठी है वहाँ पे। बुला सकते हैं आप उसे यहाँ पे? अभी तो नहीं आ सकती, नाराज है अभी तो मेरे से। नाराजगी चली है वैलेंटाइन वीक पे? नाराज हाँ हो जाता है कभी कभी नाराज। आई होप जल्दी मान जाए। हाँ, मान जाएगी, कल तक मान जाएगी। पार्टी इसी के लिए तो नहीं है? हाँ इसी के लिए है, मान भी जाए। बाकी फ्रेंड्स के लिए पार्टी है, मतलब सभी के लिए। जी जी जी। आइए अभी कुछ और लोगों से बात करते हैं और वैलेंटाइन वीक के बारे में जानते हैं वो किस तरह से रह रहे हैं जी। यहाँ पर कुछ लड़कियाँ हमें दिख रही हैं जो बैठी हैं यहाँ पे। आई जी, आपका नाम बताएं। मीना। मीना, अच्छा मीना जी, वैलेंटाइन वीक जैसे रह रहा है कि यहाँ पर पूरे देश में मनाया जा रहा है, ये आपको वैलेंटाइन वीक लगता क्या है, मतलब ये क्या होता क्या है? वैलेंटाइन वीक ये कपल्स के लिए होता है, अपनी फैमिली के लिए भी हो सकता है, ये नहीं ज़रूरी कि कपल के लिए हो जी। हम अपनी फैमिली के भी साथ सेलिब्रेट कर सकते हैं इसको, जैसे कि रोज़ डे अपने मम्मी पापा अपने फ्रेंड्स को भी दे सकते हैं, प्रपोज डे अपने पेरेंट्स को फ्रेंड्स को भी कर सकते हैं जी। जी, जी। तरुण जी ने बताया कि वो एक पार्टी रखने अपने माता पिता के लिए स्पेशल वैलेंटाइन वीक पे, मतलब उनका कोई प्रेमी नहीं है, वो चाहते भी नहीं कि प्रेमी के साथ, लेकिन माता पिता के साथ वो अपना व्यतीत करना चाहते। आप किस तरह से मनाएंगे? हम अपने फ्रेंड्स के साथ अपने पेरेंट्स के साथ ही मनाएंगे। मतलब मस्ती होने वाली है कल? खूब जी। हाँ खूब मस्ती। दर्शकों को कुछ बताएं क्या वैलेंटाइन वीक पे कुछ कहना चाहेंगे? वैलेंटाइन वीक पे क्या बोलूँ अब, मतलब सब इसे इंजॉय करेंगे क्योंकि कल बहुत स्पेशल डे है। हाँ, सब कपल्स एक साथ इकट्ठे होंगे, मस्ती करेंगे, खूब इंजॉय। अच्छा, एक जैसे अभी आप हमारे साथ युवती जुड़ी हैं तो मैं एक जानना चाहूँगा कि वैलेंटाइन वीक पे एक अभी आ रहा है कि जैसे लड़के लोग लड़कियों को छेड़ते भी बहुत हैं, मतलब ज़बरदस्ती भी वैलेंटाइन बनाने की ज़रूरत करते हैं, उस तरह से कोशिश करते हैं, तो आपका मैसेज उन लड़कियों के लिए और उन लोगों के लिए, उन लड़कों के लिए जो ज़बरदस्ती ये काम करते हैं, उनके लिए क्या मैसेज रहेगा? हाँ, मतलब कुछ लोग जो है वो इसका गलत भी यूज़ करते हैं कि हाँ ज़बरदस्ती से किसी लड़की को तंग कर रहे हैं कि हाँ आज वैलेंटाइन डे है या कुछ है तो फिर हाँ चलो मस्ती करते हैं, बट ये गलत है। जैसे कि उनकी भी बहन होती है, वैसे ही वो भी किसी की बहन है और सबको ये सोचना चाहिए कि हाँ वो भी किसी घर की इज्जत है। धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। अभी हम और लोगों से भी बात करते हैं और जानते हैं कि वैलेंटाइन वीक उनके लिए किस तरह से जा रहा है। मेरे साथ कुछ और भी हमारे कॉलेज के लोग जुड़ चुके हैं यहाँ कर, युवा खास करके युवतियाँ जुड़ चुकी हैं। अब इनसे हम जानते हैं कि वैलेंटाइन वीक इनके लिए किस तरह से रह रहा है जी। अच्छा, आप मुझे वैलेंटाइन वीक के बारे में बताएं कि वैलेंटाइन वीक होता क्या है, इस दिवस पे होता क्या, इसके बारे में ज़रा बताएं, आपकी समझ क्या है? हमारे लिए तो सारे दिन नॉर्मल ही हैं। ये भी नॉर्मल है? ये भी नॉर्मल है। देश भर में चला कि ये प्यार का दिन है यहाँ, मतलब खासकर प्यार वाले दिन लोग मिलते हैं, है ना, अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को प्रपोज करते हैं, रोज़ देते हैं, सारे के सारे वीक मनाते हैं, तो आप किस तरह से इस दिन को देखते हैं? मेरे लिए तो आम दिन है क्योंकि प्यार का दिन, हर रोज़ प्यार का दिन नहीं होता है। जी। अच्छा, कुछ खास इस पे नहीं रहेगा, एक आम दिन की तरह जाएगा? आम दिन की तरह अपने पेरेंट्स के साथ बिताएंगे। अच्छा, आप बताएं इस दिन की अहमियत और आप क्या समझती हैं वैलेंटाइन दिन के लिए? वैलेंटाइन डे मैंने आज तक कभी मनाया ही नहीं है और इस बार मैं मनाऊंगी, बट अपने पेरेंट्स के साथ। क्या बात है, क्या बात है। यहाँ पर बहुत से युवा हमारे साथ ऐसे जुड़े हैं जो कि पेरेंट्स के साथ इस दिवस को मनाने जा रहे हैं, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन बात है। अच्छा, आप पेरेंट्स के लिए क्या ऑर्गेनाइज करेंगे इस चीज़ के ऊपर? अभी तो कुछ सोचा नहीं है। एक दिन रह गया, जल्दी सोचो। देखते हैं अब जी। अभी हमारे एक तरुण भाई ने एक बहुत अच्छा आइडिया दिया, उन्होंने बताया कि वो अपने पेरेंट्स के लिए एक पार्टी थ्रो करने वाले हैं। अभी कुछ करेंगे ऐसा? यस, हम सोच रहे हैं कि हम बाहर घूमने जाएं। क्या बात है, पेरेंट्स के साथ घूमने जाएंगे आप, बहुत मेमोरीज बनेंगे आप। हाँ जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। अच्छा, आप बताएं वैलेंटाइन वीक एक मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, जैसे वैलेंटाइन वीक पे अक्सर देखा जाता है कि लड़के जो लड़कियों को तंग भी करते हैं,
तो उसके ऊपर आपका क्या कहना चाहेंगे आप उन लड़कियों के लिए और उन लड़कों के लिए कोई संदेश आपकी तरफ से? मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी कि किसी को भी इस तरह से तंग नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर किसी की अपनी फीलिंग्स होती हैं और किस अगर वो आपके प्यार को कभी एक्सेप्ट नहीं करिए तो आपको उससे ज़्यादा पीछे नहीं पड़ना चाहिए। और किसी हर दिन जैसे हर दिन होता ही है कि ये वैलेंटाइन डे वीक चला है तो कोई रोज़ डे बना रहा है, कोई प्रपोज डे बना रहा है, तो ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए वैसे, क्योंकि कुछ लोगों को ये पसंद नहीं आती हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब ये ज़बरदस्ती वाला काम और वो चीज़। हाँ जी, शुक्रिया शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। अभी हमारे साथ यहाँ पर कॉलेज के और भी यहाँ पर विद्यार्थी जुड़ चुके हैं जो हमें वैलेंटाइन वीक के बारे में बताना चाहते हैं। जी, आपका क्या कहना है इस प्यार के त्यौहार के और प्यार के दिन के बारे में? देखिए जी, वैसे तो भारत देश में बहुत से त्यौहार मनाए जाते हैं, होली, दिवाली और जो भी हैं हमारे, जो हम बहुत खुशियों से मनाते हैं। और इसी तरह जो वैलेंटाइन जो आपके युवाओं के लिए, ये वैसे तो है पश्चिमी सभ्यता, लेकिन इसके लिए वैसे तो पूरा फरवरी जो हमारा जो महीना है उसको एक प्यार के महीने के नाम से जाना जाता है। इसमें जो वैलेंटाइन डे है उसके साथ और डे भी जुड़ चुके हैं, जैसे किस डे, प्रपोज डे, जो भी है। और जो वैलेंटाइन डे जो है उसको मनाने का उद्देश्य जो मेन जो यहाँ से शुरू हुआ, रोम कोई देश है वहाँ से इसको शुरू किया गया था। और जो जो स्टैन वैलेंटाइन जो है, वैलेंटाइन जो था वो एक किसी वो युवक का नाम था स्टैन वैलेंटाइन, उसने अपने जहाँ वो रहता था वहाँ पर कुछ नियमों के अनुसार था कि लव मैरिज नाम चीज़ नहीं होती थी वहाँ पर। एक्चुअली ये रोम की बात है जहाँ पर क्लाउडस जो हमारे राजा थे उन्होंने बंद करके रखा था कि यहाँ पर कोई भी शादी वगैरह नहीं करें। हाँ जी, हाँ जी, शादी नहीं होगी। फिर उन्होंने जो है कि जिनको भी वो आगे आए और उन्होंने जो है वो शादियाँ करवाने शुरू की, जिनको भी जो भी जितने भी प्रेमी जोड़े थे वे उनको मिलाने की पूरी कोशिश करते थे। जब उनको कुछ कारणवश शायद किसी बीमारी के कारण उनको जो मृत्यु हो गई थी, तो 14 फरवरी के दिन जब वो मरे थे तो वो डे जो था वो अब मनाया जाता है और इसे प्यार के दिन से नाम से जाना जाता है जो हर युवक मना रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है हम हिंदुस्तान के निवासी हैं। आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि हमारी जो सभ्यता है वो ऐसे नहीं कि सरेआम सड़कों पे जो भी है यहाँ पर पूरा फॉरन वो नहीं बनवा देना है। अगर वैसे और भी हैं, हम इसको कंट्रोल में रहें, इसको कंट्रोल करने के लिए जो है वो हमारी बहुत से संगठन, बजरंग दल जो हैं वो हमारी वो सभ्यता को बचाने, बजरंग दल वो बचाने के लिए वो हमारे यहाँ पर उपस्थित हैं। और बाकी मैं सभी को हैप्पी वैलेंटाइन डे, थैंक यू सो मच। अच्छा, यहाँ पर हमारे साथ सचिन भाई जुड़ चुके हैं जो हमें बताएंगे वैलेंटाइन वीक वो किस तरह से मना रहे हैं। वैलेंटाइंस डे मेरे लिए अन्य जैसे कोई और दिन है, उस तरह से ही एक दिन है। और मुझे लगता है कि आज के समय में जो हमारा देश है पश्चिमी सभ्यता की तरफ ज़्यादा हमारा झुकाव है, लेकिन मुझे लगता है कि जो हमारा जो भारतीय संस्कृति है उसके भी हमें उसे मर्यादा में रहना चाहिए। पश्चिमी सभ्यता में जो अच्छी बात है उसको हमें लेना चाहिए। इस तरह से अगर कोई दिन हम प्यार के दिन के नाम से सेलिब्रेट भी करते हैं तो एक अच्छी बात है, इसको सेलिब्रेट करना चाहिए। और हमारी जो सभ्यता है उसको, संस्कृति है, उसको भी हमें बना के रखना चाहिए। और जैसे अभी आपने बताया कि जो अच्छी चीज़ें सभ्यता में वो लेनी चाहिए, आपको वैलेंटाइन वीक में क्या अच्छा लगता है और क्या आपको चाहिए कि वो चीज़ छूटनी चाहिए वहाँ? मुझे लगता है जैसे हमारे कुछ अभी फेस्टिव डे शुरू होते हैं, लेकिन जैसे हम 8 मार्च को महिला दिवस मनाते हैं, कभी जल दिवस मना रहे हैं, लेकिन कोई ऐसा प्यार का दिन अगर कोई मना रहे हैं, जो कोई कपल हैं जिनकी शादी हो चुकी है, कोई भी कपल हैं, ये प्यार के दिन के नाम से इसको मना रहे हैं, इसको भी एक अलग तरह से मायने अगर कोई दिन दे रहा तो वो हमारा 14 फेब है और इसे वैलेंटाइंस डे कहते हैं। तो इसमें मनाने से कोई गुरेज नहीं होना चाहिए, ये सभी को सेलिब्रेट करना चाहिए, एक प्यार का दिन है और इसको सेलिब्रेट करना चाहिए। तो प्यार का दिन मनाइए, लेकिन लड़कियों की इज्जत के साथ, उनको कोई किसी तरह से ज़बरदस्ती, जोर ज़बरदस्ती की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। तो अभी हम लोगों से जुड़ चुके हैं, अभी और भी लोगों से हम जानेंगे यहाँ के बुद्धिजीवी वर्ग से कि वो वैलेंटाइन वीक को ले क्या मानते हैं, क्या उनकी सोच है। अभी के लिए हम यहाँ से चाहेंगे इजाज़त और लोगों से चाहेंगे हैप्पी वैलेंटाइन भी, आप बोलना चाहेंगे कुछ? अच्छा, वैलेंटाइन वीक के बारे में क्या समझते हैं, क्या जानते हैं, वैलेंटाइन वीक किस तरह से होना चाहिए? जिस तरह से हो जाए, किस तरह से हो जाए, लड़का लड़की खुश होना चाहिए जिसे प्यार करते हैं। और जी जी, अच्छा, ये प्यार का त्यौहार है प्यार के साथ। अच्छा, माता पिता के साथ प्यार नहीं है? नहीं, माता पिता सबसे पहले। जी जी जी, उनके साथ भी मना सकते हैं ये वाला त्यौहार? बिल्कुल सही है, बिल्कुल। अच्छा, आप माता पिता को वैलेंटाइन पे क्या बोलना चाहेंगे अगर आपको कहना? बस सारी उम्र हमारे साथ रहना और आप प्यार चाहिए बस।
क्या बात है, क्या बात है, बहुत ही अच्छे विचार कहे हैं यहाँ पर इन्होंने हमारे साथ। माता पिता को हमेशा साथ रहने की ये गुजारिश भगवान से कर रहे हैं और उनकी उन्हीं के प्यार को मांग रहे हैं, बाकी प्यार की जरूरत नहीं है इनको यहाँ पर। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के। थैंक यू। तो अभी हमने कॉलेज के लोगों से जाना, कॉलेज के स्टूडेंट से जाना कि वो वैलेंटाइन किस तरह से मना रहे हैं। और अब इसके साथ मुझे नहीं लगता कि एक गिफ्ट शॉप पे हम, गिफ्ट शॉप के अलावा हम ज़्यादा मूल्यांकन कर पाएंगे कहीं पे कि ये वैलेंटाइन वीक किस तरह से जा रहा है हमीरपुर जिला में। तो आइए अब एक हम रुख करते हैं वैलेंटाइन डे के दिन एक गिफ्ट शॉप की तरफ कि यहाँ पर लोगों में वैलेंटाइन का उत्साह कैसा है और लोगों से भी जानते हैं कि किस तरह से वो इस दिन को मना रहे हैं। तो यहाँ पर गिफ्ट शॉप पर हमारे साथ कुछ कस्टमर मौजूद हैं, उनसे हम जानते हैं कि वैलेंटाइन वीक उनके लिए कैसा जा रहा है और वो गिफ्ट शॉप पर क्या करने आया, क्या लेने हैं वो अपने वैलेंटाइन के लिए इस वैलेंटाइन डे के दिन। जी, आपका नाम बताएं। माय नेम इज़ राहुल। जी, अच्छा राहुल जी, हमें ये बताएं कि वैलेंटाइन दिन आपके लिए किस तरह से रहते हैं, क्या अहमियत रखता है आपकी ज़िंदगी में ये वैलेंटाइन का दिन? वैलेंटाइन अच्छी बात है, हमारे लिए अच्छी बात है, बट जो बंदे सेलिब्रेट इंजॉय कर रहे हैं इसको, वो बंदे इंजॉय कर रहे हैं, और कई बंदे ऐसे हैं वो वैलेंटाइन नहीं बना पा रहे हैं, अकेले अकेले हैं, अकेले बना रहे हैं। तो जैसे हम अकेले वैलेंटाइन मना रहे हैं। मेरा एक सवाल रहेगा, अच्छा वैलेंटाइन आपको क्या लगता है, लवर के साथ ही मनाया जाता है या माता पिता या फिर अपने दोस्तों के साथ भी मनाया जा सकता है? ये तो डे पे डिपेंड करता है, जैसे जैसे डे होते हैं तो वैसे ये जो बनाए गए हैं उनके लिए बनाए गए हैं स्पेशल, ये लवर्स के लिए, लवर्स के लिए। जब वो बात आ जाती है मॉम और डैड पे तो फादर डे और मदर डे है हमारे पास, वो स्पेशल हमारे लिए, उन दिन वो दिनों भी सेलिब्रेट करेंगे। अच्छा, अभी हमने कॉलेज में ऊपर अभी हम बात कर रहे थे, वहाँ पर बताया उन्होंने कि उनके पास जैसे किसी के साथ लवर नहीं है तो वो सेलिब्रेट कर रहे थे कि जैसे वो अपने माता पिता के लिए एक पार्टी थ्रो करने जा रहे हैं, इस तरह से भी सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि किस हद तक ये ठीक है? अगर मैं आपकी बात को ये फॉलो कर रहा हूँ जैसे आप बोल रहे हैं, बट इसका ये मतलब अगर किसी की गर्लफ्रेंड नहीं है तो वो इस मोमेंट को अपने मदर, फादर, सिस्टर सभी के साथ शेयर कर सकते हैं। आप किसके साथ मना रहे हैं ये वैलेंटाइन? तो अकेले मना रहे हैं, देख माता इनके साथ तो नहीं मना रहे तो, हाँ हम बस देख रहे हैं, लड़कियाँ देख रहे हैं, इंजॉय। आप कुछ लेने आए हैं यहाँ पे? हाँ बस शॉपिंग करने आए थे, थोड़ी सी फ्रेंड का बर्थडे था तो। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। आप कुछ कहना चाहेंगे वैलेंटाइन वीक के ऊपर? थैंक यू। जी जी जी, ओके, शुक्रिया। तो ये था हमारे यहाँ पर गिफ्ट शॉप पर आए कुछ लोगों का रिएक्शन कि वो किस तरह से इस दिन को मना रहे हैं। तो अभी हम एक और चीज़ जानते हैं कि युवाओं में रुझान किस तरह से, और गिफ्ट शॉप के यहाँ पर ओनर है हमारे साथ जो हमें बताएंगे कि युवाओं में किस तरह का रुझान यहाँ पर अभी देखने को मिल रहा है। जी, अच्छा आपका नाम बताएं सबसे पहले। मेरा नाम पंकज है। जी, अच्छा पंकज जी, ये बताएं कि इस तरह से वैलेंटाइन गिफ्ट शॉप पे एक काफ़ी भीड़ देखने को मिलती है युवाओं की, तो इस वैलेंटाइन वीक ये कैसा गया आपके लिए? इस वैलेंटाइन वीक काफ़ी कुछ क्रेज नहीं रहा है, जैसे पिछली बार थोड़ा था बट इस बार और कम हो गया, इस बार लोगों में क्रेज नहीं दिख रहा है इस बार। जी, मतलब क्रेज कम हो रहा है यहाँ पर युवाओं में। वैसे हम बहुत सारी गिफ्ट आइटम लेके आए थे, यूजेबल आइटम लेके आए थे, आज जिसकी चीज़ों पर लेस भी चल रहा है, पर इस बार बहुत कम क्रेज दिख रहा है वैलेंटाइन पे। अच्छा, आप कुछ कहना चाहेंगे यहाँ पर युवाओं को, जिस तरह से आते हैं आपसे बात भी होती है, किस तरह से गिफ्ट वो लेके जा रहे हैं आजकल, या कार्ड्स लेके जा रहे हैं, उसके बारे में कुछ बताएंगे हमें? कार्ड्स लेके जा रहे हैं, यूजेबल आइटम ज़्यादा लेके जा रहे हैं। और गिफ्ट आइटम पे आजकल बहुत कम ध्यान दे रहे हैं। गिफ्ट आइटम पे अभी जो यूजेबल आइटम है वही गिफ्ट में आजकल जा रहे हैं, यूजेबल आइटम पे काफ़ी जोर है। अच्छा, एक रुझान लड़कियों का यहाँ पर ज़्यादा रह रहा है या लड़कों का यहाँ से गिफ्ट जो लेते हैं? यहाँ दोनों कॉम्बो चलता रहता है। दोनों मतलब कपल आ रहे हैं? कपल आ रहे हैं। अच्छा, आपका मैरिड पर्सन ज़्यादा आ रहे हैं, जैसे एनिवर्सरी के लिए, जैसे आफ्टर मैरिज जो है उनके लिए काफ़ी अच्छा है। पहले जैसा दिखता कि लड़का लड़की कॉलेज वाले आ रहे थे, मतलब अभी जो मैरिड कपल हैं वो भी इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं? कॉलेज वाले तो कम आ रहे हैं अभी, पर मैरिड कपल ज़्यादा आ रहे हैं इस बार। जी जी जी, मतलब जो शादीशुदा आते हैं उनके लिए ये त्यौहार काफ़ी खुशियाँ लेकर आ रहा है, खुशियाँ लेकर आ रहा है इस बार। और आपके लिए सर? मेरे लिए बहुत अच्छा है। आपके लिए कैसा जा रहा है वैलेंटाइन, आपका किसके साथ जाएगा? मेरे लिए कोई नहीं अभी। अच्छा, आप अभी लोगों को ही खुश कर रहे हैं यहाँ पर गिफ्ट देके? यस जी जी, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं जी, यहाँ पर काफ़ी लोगों को आप मिलाते हैं, गिफ्ट देते हैं, बहुत ही अच्छा। तो दर्शकों, ये था हमीरपुर में वैलेंटाइन की धूमधाम, किस तरह से लोग यहाँ पर वैलेंटाइन डेज मना रहे हैं, किस तरह से गिफ्ट शॉपों पर हमारे यहाँ पर लोग गिफ्ट लेके जा रहे हैं, किस किस तरह के रुझान लोगों में देखने को मिल रहे हैं। मूल्यांकन में था ये वैलेंटाइन डे हमीरपुर में। कैमरामैन अश्विन कुमार के साथ शिवम शर्मा, एस टुडे मूल्यांकन।